से सुशांत सिंह तशरीफ ले आए। सुशांत सिंह शुक्रिया 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 मेरे भाइयों, थैंक यू सो मच। भाइयों बहनों माओ सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जब भगत सिंह फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि इनकलाब आंखों से देखने को मिलेगा। आप सबने ये सपना पूरा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस शुक्रिया के साथ अभी कल परसों गृह मंत्री जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जहां उन्होंने कहा है कि भारत में सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है, लेकिन बस नहीं जलानी चाहिए, बस वगैरह नहीं जलानी चाहिए। बिल्कुल गलत हुआ, और जिसने भी बस जलाई है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो जो दिल्ली में जो एक बस जली है, मैं चाहूंगा कि आज हम सब उस एक बस को भावभीनी श्रद्धांजलि दें, क्योंकि हमारे देश में लोगों को मारा जा सकता है भाई, लोग बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं। यूपी में मार दो, बिहार में मार दो, पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा दो, आसाम में कर्फ्यू लगा दो, लोग बहुत हैं, लोग मारे जा सकते हैं भाई। बसें कम हैं, बसें नहीं जलानी चाहिए थी। हम सब हाथ जोड़कर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं उस एक बस को जो दिल्ली में जलाई गई थी। उसके बदले आप डॉक्टर कफील पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दीजिए साहब, उसे जेल में बंद कर दीजिए हमेशा के लिए। बस नहीं जलानी चाहिए थी। जेएनयू के बच्चों का सर फोड़ दीजिए, जामिया में हाथ पैर तोड़ दीजिए, गोलियां चलाइए, आसाम में मुंह पर गोली मार दीजिए किसी के, क्योंकि लोग बहुत हैं, बसें बहुत कम है यार। मत जलाओ बसें, कसम खाते हैं आज एक बस नहीं जलाएंगे, सिर्फ गद्दी जलाएंगे, सिर्फ गद्दी। गुस्सा बहुत है, ऐसी कभी कभी ज्यादा बोल जाता हूं गुस्से में। अभी आते हुए ख्याल आ रहा था कि ये सब करके शायद ऐसा लगा इनको कि एक और महाभारत करवा देंगे, कौरव पांडव की तरह हम भिड़ जाएंगे, लेकिन फिर अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक रामायण लिखी जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इन लोगों ने भगवान श्री राम के नाम को अगवा करने की कोशिश की है, और याद रखिएगा इनकी लंका में आग इस बार देश की सीताएं लगाएंगी, और उस सीता के पीछे बजरंग बली और अली दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, और हमारे सरपरस्त होंगे गांधी बाबा, भीमराव अंबेडकर साहब, जीसस, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, गुरु नानक, सब हमारे सरपरस्त होंगे। आइए देखिए, लड़ते हैं, चलिए। एक कविता लिखी थी, आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, फिर सुनाना चाहूंगा। मैं बिजनौर का हूं, उत्तर प्रदेश में बिजनौर। कुछ महीनों पहले दिल्ली में एक फैक्ट्री में आग लग गई थी। उस आग में झुलसकर बिजनौर का एक शख्स मुशर्रफ खत्म हो गया था, 43 लोग मरे थे। मुशर्रफ ने आखिरी वक्त में अपने दोस्त शोभित को फोन लगाया था, वो भी बिजनौर का था, और जाते जाते शोभित को कह गया था कि भाई मेरे घर का ख्याल रखना, देश के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। उसे सोच करके कुछ लिखा था, वो पेश कर रहा हूं। दिल्ली की अवैध फैक्ट्री में लगी, दिल्ली की अवैध फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलसकर 42 लोगों समेत एक मुशर्रफ भी मारा गया। सिर्फ मुशर्रफ का नाम सुर्खियों में आया क्योंकि उसने आखिरी कॉल अपने जिगरी यार शोभित को लगाया। एक मुसलमान को आखिरी वक्त में हिंदू दोस्त ही याद आया, भारतवर्ष ने इसे एक बड़ी खबर बताया। सहरा देने वाली इस कॉल की रिकॉर्डिंग जब मीडिया ने चलाई, लोगों की आंखें भर आई, पर बेचारा शोभित सकते में था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। नियम कायदे तोड़े मालिक ने और भस्म उसका दोस्त हो गया। लोग कह रहे हैं कि मालिक चोर था, मुनाफाखोर था, आग भी उसी ने लगाई थी क्योंकि वो आदमखोर था।
पर हो सकता है कि यह अफवाह हो, हो सकता है कि यह अफवाह हो, कसूर बाशिंदों का ही रहा हो। जब कुछ जलने की बू आई थी तभी क्यों किसी ने नजर नहीं उठाई थी, जब कुछ जलने की बू आई थी तभी क्यों किसी ने नजर नहीं उठाई थी, उसी वक्त आग क्यों नहीं बुझाई थी। क्या कह सकते हैं, हवा में पहले ही इतना जहर है, कैसे पता चलता कि आज का ये धुआं कहर है। फटी आंखें झुकी गर्दनें तब उठी जब आग धू धू कर पूरी थधक उठी। पर अब क्या हो सकता था, एक ही रास्ता था बचने का और वो बंद हो चुका था। कुछ फौरन झुलस गए, कुछ लड़ रहे थे, लेकिन मुशर्रफ को एहसास हो गया था कि अब सब मर रहे थे। हवा स्याह हो चुकी थी, उसका दम घुट रहा था। शोभित की जिंदगी की सबसे भयावह कॉल थी वो, मुशर्रफ की सांसें उखड़ रही थी, उसका दिल बैठा जा रहा था, पर दोस्त की आखिरी सांस तक आस थी उसे। वो आवाज देता रहा, वो कहता रहा, तू आवाज दे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुझे बचाने कोई तो आएगा। पर कैसे आता कोई, बहुत देर हो चुकी थी, गैर कानूनी गलियों में फंसकर वहां की गलियां तंग हो चुकी थी। अब सिर्फ सुस्त पड़ती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुशर्रफ बोल नहीं पा रहा था, शोभित का दिल बैठा जा रहा था, उसका रोम रोम चिल्ला रहा था, हे राम मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इतना फासला है, कैसे अपने दोस्त को बचाऊं, ये गैर कानूनी फैक्ट्री वहां खड़ी कैसे हो गई, तमाम महकमों से चूक कैसे हो गई, सभी तो आदमखोर नहीं हो गए कहीं। इतिहास में पढ़ा था उसने कि हवा गर्म हो अगर यह बीमारी महामारी सी फैलती है, गांव कस्बे शहर पूरे के पूरे देश लीलती है। फिर सांसें सुनाई देनी भी बंद हो गई, मुशर्रफ मर गया, पर जाते जाते घर का सरपरस्त दोस्त शोभित को कर गया। मैं जानता हूं शोभित, ये चोट बहुत कड़ी है, चुनौती बहुत ही बड़ी है, पर तुम डरो मत, मैं साथ हूं तुम्हारे। मुशर्रफ की आखिरी फरियाद मैंने भी तो सुनी है, ये जिम्मेदारी अब मेरे कांधों पर भी तो पड़ी है। तो चलो उठो शोभित, आग बुझी नहीं है अभी, इससे पहले कि हवा और गर्म हो जाए इसे बुझाना होगा, आदमखोरों से मुल्क बचाना होगा। इनकलाब, 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 इनकलाब। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, दूसरों को भी शेयर करें।